हाय नमस्कार, माय नेम इज अनिल वर्मा। और पिछले 2 से 3 सालों के अंदर रेजिडेंशियल की बाढ़ सी आ गई है मार्केट में। एक से एक अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज के साथ डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसी ही एमिनिटीज़ है सबकी। कुछ ही एमिनिटीज़ ऐसी होगी जो आपको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को अलग बनाती है। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आज के जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें एक सबसे बढ़िया एंड यूज़र प्रोजेक्ट है। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैक्स एस्टेट 360, जो कि मैक्स एस्टेट का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। लोकेशन की बात करूँ तो मैं सेक्टर 36A, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, CPR वहाँ पे एंड होता है जो कि आपको कनेक्ट करता है SPR के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, आपको CPR से भी एंट्री मिलती है इस लोकेशन पे और साथ ही साथ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से भी एंट्री मिलती है। जो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री रहेगी वो आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से रहेगी। बिल्कुल साथ में ही आपको इनका जो प्रपोज मेट्रो स्टेशन है वो भी बिल्कुल साथ में ही लगता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मिलता है। तो लोकेशन आप समझ सकते हैं बहुत ही प्रीमियम है। बिल्कुल साथ में ही आपको क्रिसुमी की भी टाउनशिप मिलती है, आपको अदानी की भी टाउनशिप लगेगी साथ में। इसके साथ साथ ही 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी है वो भी साथ में लगेगी, बिल्कुल बाउंड्री उसके साथ लगती है। विजन सिटी 150 एकड़ की आनी है वो भी साथ में लगती है। आपका जो गुड़गांव के अंदर पहला हेलीपोर्ट बन रहा है जो प्रपोज्ड हुआ है सेक्टर 84 में, वो भी बिल्कुल साथ में लगता है। साथ ही साथ आपको 200 एकड़ की जो ग्रीन बेल्ट मिलती है CPR के अपोजिट साइड में, वो भी बिल्कुल साथ में लगती है। तो मतलब लोकेशन बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है और अगले 4 से 5 साल के अंदर और भी अच्छे लेवल पे डेवलप होगी। और जब हम बात करते हैं मैक्स एस्टेट की, तो एज ए डेवलपर ये इनका गुड़गांव के अंदर पहला प्रोजेक्ट है, नोएडा के अंदर ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। साथ ही साथ सीनियर लिविंग में इनकी एक अलग से विंग है अंतारा, जो कि हरिद्वार में देहरादून में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और बहुत ही ज़बरदस्त एप्रिसिएशन उसको मिला है और बहुत ही अच्छे एमिनिटीज़ ये देते हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ ये देते हैं सीनियर सिटीजन्स को। क्योंकि इनका अगर बैकग्राउंड आप देखोगे तो इंश्योरेंस और इनका मेडिकल हॉस्पिटल का जो बैकग्राउंड है उनको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है ये समझने के लिए कि सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं उनकी जो डिमांड्स होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है एक अडल्ट पॉपुलेशन से। तो इसी वजह से शायद जो इनका अंतारा विंग था, जो इनका देहरादून में पहला प्रोजेक्ट आया था, अगर आप उसका प्राइस पता करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 times वो अप्रिशिएट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है उस प्रोजेक्ट की और वेटिंग में चल रही है, वहाँ पे यूनिट्स जो है वो वेटिंग में चल रही है। तो जो इनका बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक यूनिक प्रोडक्ट ये डिलीवर करने में बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं जो इनका बैकग्राउंड है ना, जो मेडिकल और इंश्योरेंस वाला, उसकी जो छाप है, उसका जो आपको छाया है, वो किसी भी प्रोजेक्ट इनका उठा के देख लीजिए आपको उसके अंदर मिलेगी। एमिनिटीज़ तो जितनी भी आपको दूसरे डेवलपर्स दे रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़, वो चाहे आपको मैन मेड आपको अंदर लेक हो, बाकी एमिनिटीज़ हो जैसे कि जीरो व्हीकल मूवमेंट हो गई, इस तरह की जितनी भी एमिनिटीज़ है वो तो ये आपको दे ही रहे हैं। जो अच्छे अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ जो मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो तो आपको दे ही रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे यूनिक चीज़ है वो ये है कि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक इंटरजेनरेशनल थीम पे डेवलप हो रहा है। इसके अंदर आपको टोटल जो है 6 towers मिलते हैं 12.5 acres में, और उसके अंदर 2 towers जो हैं वो इनकी जो दूसरी विंग है अंतारा उसके अंडर आते हैं। तो दे विल बी स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखा ये गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, जिसकी वजह से दे गो इनटू डिप्रेशन और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो इंटरजेनरेशनल जो प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला है वो स्टडीज़ पे ही निकाला इन्होंने कि भैया जहाँ पे आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अगर उनके पास उनके बच्चे रहे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन रहे, तो कहीं ना कहीं वो खुश रहते हैं, जिससे उनकी जो एज है, जो उनकी हेल्थ है, उस पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने ये इंटरजेनरेशनल थीम पे ये प्रोजेक्ट लाए हैं। इसमें आपके 2 towers सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगे, 4 towers आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के रहेंगे, जैसे आपके नॉर्मली भी होते हैं उस तरह से 4 towers रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज सेपरेट भी रखी है और कहीं ना कहीं शेयर्ड भी कर रखी है। कहने का मतलब यह है कि जैसे सीनियर सिटीजन में उनका जो क्लब हाउस है वो बिल्कुल अलग रहेगा, उनके जो एमिनिटीज है अंदर जैसे जिम है, आपका स्विमिंग पूल है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट उस तरह से है तो उसी हिसाब से उनकी एमिनिटीज उनको दी गई है। और एडल्ट की जो दूसरी तरफ 4 टावर्स है उनकी एमिनिटीज उनके हिसाब से दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको शेयर नहीं कर सकते। तो उसमें शेयरिंग है, लेकिन किन किन एमिनिटीज की वो एक आपके डिस्कशन वाली चीज़ है, बट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो है इनकी जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज, जो ये आपको डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, इवन यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी, वो उस तरह की जो एमिनिटीज है वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि एज एन सीनियर सिटीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। क्योंकि कई बार आपको मेडिकल इमरजेंसी एकदम पड़ जाती है, और आप कितने ही अच्छी सिटी के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप गुड़गांव में हो, कहीं भी हो, एम्बुलेंस को पहुंचने में ना कई बार बहुत टाइम लग जाता है। कहीं जाम हो गया, कई बार फोन नहीं उठा, या कुछ भी रीजन हो सकता है, या जो वो सीनियर सिटीजन है वो उनको कॉल ही नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है उस वक्त फोन अवेलेबल ना हो। तो उन सारी जो हिंड्रेंसेज है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी जो प्रॉब्लम है, उससे ओवरकम करने के लिए ही मैक्स ने अंतारा लिविंग के अंदर उस तरह की आपको बिल्कुल डेडिकेटेड फैसिलिटीज दी है, जहाँ पे आपके डॉक्टर्स भी होंगे, आपके रूटीन चेकअप्स होंगे, और इवन आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज भी आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलेगी। ये देखा गया कि यार जैसे किसी का ऑपरेशन होना है, उसके बाद जो पोस्ट रिकवरी पीरियड होता है आपका 6 दिन से लेकर 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, उसमें जो आदमी है ना हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता, वो उसको एक थोड़ा सा अपना सा माहौल चाहिए होता है, अपनापन सा माहौल चाहिए होता है, तो वो वाली फैसिलिटीज भी आपको अंतारा लिविंग के अंदर मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि 50% अगर आपकी प्रॉब्लम है ना, वो तो आपकी घर बैठे ही आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए आपकी जो एंट्री गेट रहेंगे वो भी उस तरह के होंगे, चौड़े एंट्री गेट होंगे, सो दैट कि आपके जो व्हील चेयर है वो अंदर आसानी से जा सके, उसमें ज़्यादा हाइट नहीं होगी। आपके जो बालकनीज होंगी वो भी उस तरह से बनाई जाएगी, जो अंदर वॉल है वो आपके कोने वाली नहीं होगी, वो आपकी राउंड होगी, सो दैट कि कभी चोट ना लगे। आपके हर कमरे में पैनिक बटन्स होंगे, इस तरह की सारी एमेनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। और मेडिकल एमिनिटीज जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एज एन एंड यूज़र देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपने लिए या अपने मदर फादर के लिए, तो मैक्स एस्टेट 360 और जो अंतारा लिविंग, इनका ये जो 2 टावर्स है ना, दिस आर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी यू कैन ऑफर टू योर पेरेंट्स और फॉर योर सेल्फ। बात करते हैं साइजेस की, तो इसमें आपको 3 BHK मिलता है और 4 BHK मिलता है। 3 BHK के इसमें आपको 2 साइज मिलेंगे, एक तो 2600 स्क्वायर फिट का, दूसरा आपका 2800 स्क्वायर फिट का, और जो आपका 4 BHK है वो 3500 स्क्वायर फिट का आपको मिलता है। बीइंग अ कॉरपोरेट प्लेयर, तो मैक्स का जो इसमें आर्किटेक्ट रहेगा, जो इनका कंस्ट्रक्शन पार्टनर रहेगा, दे विल मेक श्योर कि वो ए ग्रेड हो, और ए ग्रेड लोकेशन है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अप्रिशिएट की और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाली लोकेशन है। तो इनका ये रहेगा कि यार पहला प्रोजेक्ट है गुड़गांव के अंदर और पहला इंटरनेशनल थीम पे ये प्रोजेक्ट है, तो इसको ये एक सक्सेस बनाना चाहते हैं, सो दैट के इसी सक्सेस को ये आगे कैच कर सके, डिस्काउंट कर सके दूसरी लोकेशंस पे भी। तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये कहूँगा कि गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे हिसाब से अगर एज एन एंड यूज़र आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहते हैं जहाँ पे आपकी A to Z एमेनिटीज, A to Z फैसिलिटीज आपको मिलती है, और अगर अपने आप माँ बाप के लिए भी आप किसी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और आपकी ना टेंशन खत्म हो जाती है, एक बार आपके मदर फादर इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, तो उनकी मेडिकल से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी डाइट किस तरह से रखनी है, इसमें डाइटिशियन वगैरह से लेकर आपका जो सबसे अच्छी बात क्या है कि उनका देहरादून वाला प्रोजेक्ट है, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो उसमें डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को आज ये करवाना है, इनको कल ये एक्टिविटी करवानी है, परसों इनको ये एक्टिविटी करवानी है, और स्पेसिफिक डाइट्स उसमें प्रोवाइड की जाती है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से पर्सनली उन लोगों के लिए उसमें डाइट बनाई जाती है, उनको उस तरह का फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो एमिनिटीज है, जिस तरह के एमिनिटीज एक सीनियर सिटीजन को चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और अडल्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो मेरे हिसाब से एमिनिटीज जो ये दे रहे हैं अंदर, वो सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज हो आपका, तो गोल्फ उसमें आपको चिप एंड पुट गोल्फ मिलता है, आपको अडल्ट के हिसाब से भी मैं एमिनिटीज की बात करूँ तो बहुत अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज आपको दी है अंदर। अंदर आपको एक
मैन मेड आपको एक लेक मिलती है, आपको स्पोर्ट्स एमिनिटीज मिलती है, आपको चिप एंड पुट, आपको गोल्फ रेंज मिलती है। इस तरह से आप बहुत ही अच्छी अंदर एमिनिटीज आपको मिलती है, ग्रीनरी इसमें बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि IGBC प्लेटिनम रेटेड ये बिल्डिंग है, तो ग्रीन एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ग्रीनरी बहुत अच्छी आपको अंदर मिलेगी। आप नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, कार्बन एमिशन बहुत कम होगा, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपको उस तरह की एमिनिटीज अंदर दी गई है, जैसे ग्रीनरी हो गई, लेक हो गई, जिसकी वजह से आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कहीं ना कहीं आपको बेटर मिलता है। और लोकेशन ऐसी है कि 5 मिनट में आप CPR के थ्रू सीधा SPR गोल्फ कोर्स रोड पे पहुंच जाओगे, एक्सटेंशन रोड पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट जाना चाहते हो या दिल्ली जाना चाहते हो तो आप सीधा एक्सप्रेसवे जो कि टोटली एलिवेटेड है 15-20 मिनट में आपको IGI एयरपोर्ट पहुँचा देगा। आपको 150 मीटर के जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है उससे आप न्यू गुड़गांव को, पटौदी रोड को एक्सेस कर सकते हैं, मानेसर को एक्सेस कर सकते हैं, NH8 भी 2 से 2.5 किलोमीटर पे ही लगता है, तो बहुत अच्छी लोकेशन है और डेवलपर बहुत अच्छा है, सराउंडिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू लुकिंग फॉर अ एंड यूजर प्रोडक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे और इन एंटायर गुड़गांव, मैक्स एस्टेट 360 कैन बी योर डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट। If you want to know more about this project, you can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. So it was all about Max Estate 360. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.